खबर यूपी के चंदौली से है। धान क्रय केंद्र की लापरवाही को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 8 दिसंबर को जगह समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जो विगत 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में किसानों का धान क्रय केंद्र पर खरीद न करने व खाद बीज की किल्लत, खराब सड़क व बेलगाम अफसरशाही के खिलाफ देने जा रहे पत्र गांधीवादी तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ को लेकर सत्ता के इशारे पर सकलडीहा पुलिस उपाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ने लाठी चार्ज किया तथा अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसका हम सभी लोग निंदा करते हैं। उनके द्वारा नामजद सहित 150 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे संगीन धाराओं में वाले गए हैं, जिसमें वापस नहीं लिया गया, जो प्रदेश व्यापी समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी व दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ताकि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, दशरथ सोनकर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। चकिया विधानसभा क्षेत्र 383 चकिया से योगेंद्र कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के लोगों पे जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक वहां के सकलडीहा के सीओ अमरुद्ध सिंह ने लाठी चार्ज करके मानवता को शर्मसार किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, उस दिन में कड़ी निंदा करता हूं। जब तक समाजवादी पार्टी में 150 लोगों पे अज्ञात सहित नामजद सहित लोगों पे मुकदमे किए गए हैं, उन्हें तत्कालीन वापस नहीं किया जाता। अगर वो मुकदमा करना इस पर तरीके से चाहते हैं, तो अमरुद्ध सिंह सीओ सहित तमाम पुलिस अधिकारियों पे जिन्होंने पत्रक देने वाले मिली लोगों के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके भी खिलाफ अमरुद्ध सिंह सहित सकलडीहा।